राजनीतिक दलों के बाद अब जुगसलाई फाटक पर ओवरब्रिज की मांग को लेकर व्यवसायियों ने एक दिवसीय धरना दिया। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को क्रमबद्ध चलाने की घोषणा भी की है। जुगसलाई फाटक पर ओवरब्रिज की मांग को लेकर जमशेदपुर थोक वस्त्र विक्रेता संघ के लोगों ने जुगसलाई गोलचक्कर पर एक दिवसीय धरना दिया। उन्होंने रेल प्रशासन और रेल मंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगाए। इस संबंध में संघ के सचिव अनिल मोदी ने बताया है कि जुगसलाई फाटक पर ओवरब्रिज की मांग बहुत पुरानी है। ओवरब्रिज के बगैर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही जुगसलाई के लोगों का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र है और यहाँ की वर्षों पुरानी मांग है कि जुगसलाई फाटक में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए, क्योंकि जुगसलाई में घुसने का एक ही मुख्य रास्ता है जो फाटक को होकर जाता है और यहाँ कम से कम डेली सैकड़ों ट्रेन पार होती है और लगातार जाम लगा रहता है। इससे स्कूल जाने वाले बच्चों का स्कूल लेट हो जाता है। आप किसी आवश्यक काम से निकले तो कम से कम एक घंटे का समय लग जाता है। यहाँ पर एक अस्पताल है हम लोगों का, वहाँ पर शहर के अच्छे डॉक्टर नहीं आना चाहते क्योंकि जाम में फंस जाते हैं। शहर का व्यापारी समाज यहाँ के अलावा किसी और क्षेत्र से खरीदारी करना चाहता है तो जुगसलाई का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है एक तरीके से, और यहाँ के लोगों को लगातार रोजमर्रा की परेशानी आ रही है। इसलिए जुगसलाई के व्यापारी समुदाय ने जमशेदपुर थोक वस्त्र विक्रेता संघ के बैनर तले आज ओवरब्रिज बनाने के लिए जुगसलाई में धरना दिया है। इस आंदोलन को हम लोग और क्रमबद्ध आगे बढ़ाएंगे।